मेरी सासू माँ ना बड़े दिन से बोल रही है कि सिरके वाली मूली खानी है, मतलब जो मूली के चंदे होते हैं ना वो खाने हैं। अच्छा, वो सीधा सीधा तो हमेशा बोलती नहीं है, हमेशा ना थोड़ी सी लॉन्ग कट में या शॉर्ट कट में या अपने तरीके से बातों को बोलती हैं। तो वैसा बोलती है कि जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी और मुझे बुखार आ जाता था ना, तो मेरी सिरके वाली मिर्च और मूली खाने का बड़ा मन करता था। तो मुझे पता लग गया है कि उनका मन कर रहा है सिरके वाली मूली और मिर्च खाने का। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर सिरके वाली मूली का अचार बोल सकते हो या सिरके वाली मूली भी बोल सकते हो। अच्छा, जब मैं मूली उठा के लेके आई ना अंदर से, तो मैंने देखा यहाँ पे जो आलू छीलने वाला चाकू है ना वो गुम हो चुका था। मतलब पता नहीं मैं उसको कहाँ पे रख के भूल गई। जब चीज़ें टाइम पे नहीं मिलती है ना तो बड़ी ना टेंशन सी हो जाती है, और वो जब आपको काम की जल्दी हो, दोपहर का टाइम हो रहा है ना तो काम की भी जल्दी है, एक साइड मेरा खाना बन रहा है। अब छीलने के लिए तो मैं इस मूली को नॉर्मल चाकू से भी छील सकती हूँ, लेकिन ना उससे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो शुक्र है मुझे ढूंढने से मिल गया। तो चलिए, ये जो मूली है ना इनको मैंने छील लिया है, और ये हमारे खेत की मूली है, बिल्कुल फ्रेश, केमिकल रहित, मतलब इनमें कोई केमिकल नहीं लगा हुआ है, कोई दवाई नहीं लगी है, बिल्कुल ऑर्गेनिक मूली बोल सकते हो आप इनको। चलिए, इनको ना छीलने के बाद इसका जो आगे और पीछे वाला हिस्सा होता है ना उसको ना काट देना है, और सबसे पहले यहाँ से ये कूड़ा उठा के फेंक देना है, नहीं तो ढेर लगता चला आता है फिर कूड़े का किसी भी सामान का। मूली को हमेशा छीलने के बाद ना धो लेना चाहिए, इसका जो थोड़ा कशेलापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब ना इसके चंदे काटे जाएंगे। भाई हमारे यहाँ तो इनको चंदे ही बोला जाता है, जैसे मेरी सासू माई है या मेरी मम्मी थी ना तो वो यही बोलती थी मूली के चंदे लेके आ जाओ, या सिरके वाले चंदे बोले जाते हैं। आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हो। हमारे यहाँ पर ना इसके गोल गोल जो काटे जाते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा ना गला ख़राब है। अच्छा, मूली को तो मैंने यहाँ पे काट लिया है, और अब मैं एक बाउल लेके आ गई हूँ और साथ में ये सिरका लेके आ गई हूँ। ये मुझे मम्मी ने दिया था पिछले साल, और अब ना ये बिल्कुल ख़त्म ही हो रखा है, थोड़ा सा ही बचा हुआ था। मैंने सोचा चले जब सासू माँ बोल रही है तो मैं उन्हीं के लिए जो है इसको आज ख़त्म कर देती हूँ। अच्छा, मूली वाले सिरके वाले जब आप मूली या फिर मिर्च वगैरह बनाते हो ना तो उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, जिस बर्तन में आप सिरका डालने जा रहे हो ना उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मैंने इसको ना एक सूखे कपड़े से अच्छे से सुखा लिया है, और जो ये मूली के चंदे हैं ना वो यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें सिरका डाल के इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अच्छा, नॉर्मली भी अगर आपके घर में ज़्यादा सिरका है ना तो मूली या मिर्च में कम ही सिरका डालेगा, क्योंकि इसमें एक से दो बार ही मूली डाली जाती है, फिर ना सिरका फेंकना पड़ता है। नमक डालने के बाद तो सिरका वैसे भी बाद में ख़राब हो जाता है, इसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारी ये सिरके वाली मूली तो तैयार हो चुकी है, खाने में ना बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको किसी भी चीज़ में स्वाद नहीं आ रहा है ना तो आप अपने घर में ये सिरके वाली मूली बनाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आपका स्वाद भी वापस आ जाएगा। वैसे भी ये गन्ने वाला सिरका है, बाज़ार में नॉर्मल वाइट कलर का जो विनेगर बोलते हैं वो आता है ना, उससे वो मज़ा नहीं आता है। चलिए, मैंने ना इसको एक डब्बे में निकाल लिया है, इसको हमें एक से दो दिन के लिए छोड़ देना है और उसके बाद खाना है। मुझे तो सब्र नहीं हो रहा है ना, तो मैं तो उसको खा के ज़रूर देखूंगी। हल्का ना खट्टा लगता है, आंखें बंद हो जाते हैं जब इसको खाते, ऐसे ऐसे मिलाते हैं, और ये हमारी मूली वाला सिरका तैयार हो चुका है।